इंटरबैंक में डॉलर की कदर में बड़ी कमी, कीमत एक साल की कम तरीन सतह पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से बड़ी खुशखबरी सामने आ गई, रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर मजीद 14 पैसे कमी से 156 रुपए 99 पैसे की सतह पर बंद हुई, जबकि इसके बरक्स ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर 20 पैसे के इजाफे से 157 रुपए 50 पैसे की सतह पर बंद हुई। इंटरबैंक में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज डॉलर की कीमत 157 रुपए से नीचे बंद हुई थी। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स 43,788 पॉइंट्स पर था, लेकिन कुछ देर बाद इसमें बेहतरी आना शुरू हुई और 978 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 44,000 की नफसियाती हद अबूर करते हुए 44,829 पॉइंट्स पर पहुंच गया था। पीर को 114 रुपए के ताज़ा इजाफे के साथ पिछले 7 माह के दौरान करेंसी तकरीबन 7.7% या 11.44 रुपए रही है। रोशन डिजिटल प्रोग्राम के तहत बेहतरी आई है। इब्तदाई 6 माह के दौरान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने मुकामी बैंकों में 1,00,000 से ज्यादा अकाउंट खोले। फरवरी में 9 माह के दौरान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात जर की मालियत 2 अरब डॉलर से भी ज्यादा मुस्तहकिम रही। माली साल 21 के इब्तदाई 8 माह जुलाई ता फरवरी के दौरान मजमुई तौर पर तरसीलात जर में नुमाया इजाफा हुआ है, जो गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत में 15.10 बिलियन डॉलर थी। जनवरी में पाकिस्तान के मलबूसात की बरामदात में 12% इजाफे की खबरों पर रुपए की कदर में भी इजाफा देखा गया, जिसके आइंदा चंद दिनों में नई किस्त की वसूली के बाद मुल्की रुपए पर जबरदस्त असरात सामने आ रहे हैं। माहिरीन ने रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद सस्ता होने और 155 रुपए की नफसियाती हद टूट जाने पर डॉलर 150 रुपए की सतह के करीब पहुंचने का इम्कान भी जाहिर कर दिया है।